कलेजी बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम कलेजी, और इसमें चाहिए टमाटर, अदरक लहसुन और प्याज, दो प्याज हमने बड़े साइज के अच्छे तरह से कट लिया है, और गार्निश करने के लिए धनिया, और मसाले हमारे जो हैं ये गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कलेजी बनाना। कलेजी हम की रेसिपी कैसे बनाते हैं तो आज हम आपको बताएंगे। तो हमने सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करके इसमें तेल डाल लिया है, तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, और सबसे पहले हम कलेजी को इसमें फ्राई करेंगे। फ्राई करके इसे निकालेंगे यानी हम तलेंगे इसे। बहुत ही आवाज करता है, इसको बच के रहना पड़ता है क्योंकि ये तेल ऊपर चिपकता है। ये अगर हम कलेजी को तेल में फ्राई नहीं करते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, वो जो है कि उसमें टूट जाएगा और पीछे आपको अच्छी नहीं लगेंगी, और ये थोड़ा सा इसमें फ्राई करने के बाद एक टाइट हो जाता है। तो इसे रेसिपी आपकी जूस जो है झोल बहुत ही अच्छा है, ग्रेवी इसकी, सॉरी ग्रेवी बहुत ही अच्छी ग्रेवी और टेस्टी है। ये कलेजी हमारी पूरी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और कितना अच्छे तरीके से फ्राई हुई है कलेजी हमारी। ये देखिए, आप चाहे तो इसका हल्का मसाला डाल के और नमक छिड़ के भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे ही आप ड्रिंकिंग का शौक रखते हैं तो लोग ऐसे ही करते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रेसिपी कैसे बनाते हैं। एक एक करके हम इसे निकाल लेंगे। ये हमारी कलेजी अब फ्राई हो चुकी है अच्छी तरीके से, आप देख रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे। ये प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, इसको हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है, हल्का हल्का ये गुलाबी कलर का हो गया है बिल्कुल अच्छा। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन, और इसे भी हम चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, ये पकड़े ना। हमारा लहसुन भी अच्छे तरीके से पक गया है, बिल्कुल का कलर चेंज हो गया है। जिसमें हम डाल देंगे टमाटर, और इसको हल्का सा 1 मिनट के लिए पकाएंगे इस गर्म तेल में, ताकि ये भी अपना अच्छे तरीके से पक जाए। प्याज लहसुन टमाटर हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाले 2 चम्मच, और धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, और इसमें जीरा पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच और 1/2 टेबल स्पून, और इसको हम मसाले को अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि मसाला हमारा पक जाए। बिना पानी डाले हम इसे तरीके से बढ़िया से पकाएंगे, और जैसे हमारा मसाला पकने लगेगा हल्का हल्का, तो हम जरा सा पानी का यूज कर लेंगे, उससे क्या है कि हमारे मसाले पकड़ेंगे नहीं और अच्छी तरीके से पक जाएंगे। आप देख रहे हैं मसाला कितना बढ़िया तरीके से पक गया है, और ये तेल बिल्कुल ऊपर ऊपर आ गया है। और अब इसमें हम डालेंगे फ्राई की हुई कलेजी, और इसको मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, बढ़िया से पकाएंगे।
और उसको हम कुछ टाइम के लिए ढक देंगे। कलीजी हमारे अच्छे तरीके से पक गई है, इसमें हमने मसाले में इसे ढक के रखा था। अब इसमें हम डालेंगे पानी, चटनी ग्रेवी के अनुसार, आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से पानी डालिए। इसका ग्रेवी जो है कि चिकन की ग्रेवी से थोड़ा सा हटके आता है टेस्ट इसका, और काफ़ी खुशबूदार बनता है, काफ़ी अच्छा बनता है। और लेकिन अभी हम इसको और पकाएंगे, और इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार, आपको जितना टेस्ट अच्छा लगता हो, ज़्यादा या कम आप अपने अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। हमने नमक डाल दिया है, अब इसको हम ढक देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। अब चेक करते हैं कि हमारा ग्रेवी पक गया है कि नहीं, दोस्तों देखिए हमारा ग्रेवी अच्छी तरीके से पक गया है, क्योंकि ये सारे तेल और मसाले इधर आ गए हैं, मतलब कि हमारा ग्रेवी बहुत ही अच्छी तरीके से पक गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसको हम ढक देंगे। ये हमारी डिश बनकर तैयार है। अब इसको गार्निश करने के लिए थोड़ा सा हम ऊपर से धनिया डाल देंगे, जिससे कि और टेस्टी और खुशबूदार लगेगी हमारी रेसिपी। तो दोस्तों आप भी हमारी रेसिपी को ट्राई करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन पर जरूर दबाइए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। धन्यवाद।